नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आज मैं थोड़ा सा कड़वा बोलने वाला हूं, तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहूंगा आप सबसे। बहुत सारे मेल्स आ रहे थे जिसमें कि, या फिर मेरे कॉमेंट सेक्शन में आप चेक किए होंगे, बहुत सारे कॉमेंट्स थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो टॉपिक है वो तो है कि मेडिकल ऑफिसर आफ्टर BDS, बट इसमें थोड़ा सा मैंने एड ऑन किया है कि कुछ लोगों के डाउट्स थे GR को लेकर के, जूनियर रेजिडेंट सर्विस को लेकर के। मेरे पास बहुत सारे मेल थे कि उन्हें यह कहा जाता है कि नहीं, अगर आपकी सप्ली हो, आपके ईयर बैक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप GRCP का एग्जाम दे सकते हैं, आप GR बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सरासर गलत न्यूज है, जहां की भी न्यूज है बिल्कुल गलत न्यूज है। आप एलिजिबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल दिल्ली। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो GR की वैकेंसी आती है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में आती है, ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। हर स्टेट में, दिल्ली को छोड़ दीजिए, कर्नाटका को छोड़ दीजिए, आप मध्य प्रदेश को छोड़, मध्य प्रदेश में शायद एक ही है, महाराष्ट्र में 2-3 कॉलेजेस हैं, मतलब गिने चुने 3-4 स्टेट को छोड़ दें तो बाकी सारे स्टेट में सिर्फ एक डेंटल कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए बिहार, सिंगल कॉलेज है। आप झारखंड चले जाइए, सिंगल कॉलेज है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। राजस्थान चले जाइए, सिंगल कॉलेज है। मध्य प्रदेश में सिंगल कॉलेज है। पंजाब में सिर्फ एक ही कॉलेज है। आप मतलब कंटिन्यू सारे जितने भी स्टेट हैं सब में एक ही एक कॉलेज ही है। साउथ के ही कुछ कुछ स्टेट में 2 कॉलेज हैं, और अगर आप यूपी की बात करेंगे तो यूपी में फिर 3 कॉलेज हैं, वहां पर BHU हो जाता है, AMU हो गया, KGMU हो गया, तो 3 कॉलेजेस हैं, एक स्टेट में आता है और 2 सेंट्रल में आता है। चलिए ये सब बातें हटाते हैं और बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ GR की वैकेंसी कौन निकालता है? जो भी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी हो, वो भी निकालता है जहां पर की बहुत ज्यादा डेंटल की जरूरत होती है। तो ऑल दो अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो यहां पर तो 65 सीट्स हर साल आती है अलग अलग कॉलेजेस को मिलाकर, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी निकालते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। बाकी अगर स्टेट की बात करेंगे तो मैक्सिमम 2-3 सीट्स आती है। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग प्रयोग करें और खुद सोचें कि क्या जिस स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल बिहार में, एक सीट है, मतलब एक गवर्नमेंट कॉलेज है, 2 सीट आ रही है GR की, तो क्या वो ईयर बैक वाले बच्चों को अलाउ करेंगे? यहाँ ठीक है, ईयर बैक वाले बच्चे भी अलाउ हो गए, आप भी आ जाओ। आप खुद सोचो कि डेंटिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि UPSC से ज्यादा यहां पर है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। आप खुद सोच के देखिए तो क्या वो इंटरव्यू लेंगे? मतलब 1-2 वैकेंसीज के लिए सैकड़ों लोग बैठते हैं, हजारों लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, तो सबका इंटरव्यू लेंगे वो बैठ करके? ईयर बैक वाले को आपको क्यों लेंगे? वाई? मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बट आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि हम कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर नहीं कर सकते हैं। अगर हम अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? तो मेरा ओपनली सजेशन है कि जिनके भी ईयर बैक हो, सप्ली हो, जैसे दिल्ली में आप मौलाना आजाद देख सकते हैं, जामिया देख सकते हैं, आप लेडी हार्डी में आता है, UCMS में आता है, सदरगंज में आता है, इन सब में आप किसी के भी नोटिफिकेशन खोल के देख लें, उसमें चीज लिखी होती है, यू हैव टू पास योर ऑल प्रोफेशनल एग्जाम इन 1 अटेम्प्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सप्ली भी हमें अलाउ नहीं करेंगे, ईयर बैक तो बहुत दूर की बात हो गई। तो जो भी आपको ये बात बता रहा है, समझा रहा है, बार बार जो कॉमेंट कर रहे हैं, सर उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने वो बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये 2017 से पहले होता था, 2018 में रूल चेंज किया गया और तब से पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट एप्लीकेबल। कुछ ही दिन की बात है, आप रुक जाइए, एम्स बहुत जल्दी लाने वाला है अपना INICET के लिए, शायद जब 2017 या 16 बैच के जब बच्चे बैठेंगे INICET में, तो उनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा बैठना, जैसे पहले जब अलग अलग एग्जाम होते थे, मतलब PGI चंडीगढ़ अलग से एग्जाम लेता था MDS के लिए, तो वो अलाउ नहीं करता था, ना ही सप्ली वाले को अलाउ करता था और ना ही वो ईयर बैक वाले को अलाउ करता था। अभी जब कंबाइंड हुआ है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है इसके लिए केस, कि वो लोग अपील किए हैं कि जिससे कि बाद में ऐसा ना हो कि कोई फिर से पिटीशन डाले और फिर रिजल्ट में पेंडिंग आए, तो उसको सीधा रूल में डाल करके और खत्म कर देंगे कि कोई पेंडिंग, कोई पिटीशन नहीं हो, तो INICET में बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए अभी वो नहीं आया है तो उसकी बात क्या करनी है। तो मैं बात कर रहा था कि अप्लीकेबल नहीं है आप, तो इस चीज को मन से निकाल दीजिए। अब जो लोग अप्लीकेबल नहीं है GR के लिए,
उनके लिए सबसे जो बेटर ऑप्शन है ना वो है कि आप नीट एमडीएस की तैयारी करें, नीट पीजी की तैयारी करें आप, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आपका ईयर बैक हो, आपका 10 अटेम्प्ट हो चुका हो, 50 अटेम्प्ट हो चुका हो, आपका 40 साल हो गया हो, उससे कोई मतलब नहीं, ना ही वहां पर कोई एज लिमिट है पीजी के लिए, ना ही आपके कितने मार्क्स हैं उससे कोई मतलब है उन्हें, उन्हें मतलब है कि आपने एग्जाम जो दिया उसमें आपके मार्क्स कैसे हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप उसमें अच्छा कर पाए। अब बात कर लेते हैं मेडिकल ऑफिसर की। मेडिकल ऑफिसर में भी सेम कंडीशन चल रहा है, आप खुद सोच के देखिए कि फॉर एग्जाम्पल यूपी में 2019 में वैकेंसी आई, 2019 जो वैकेंसी आई है वो 480 या 482 सीट के लिए है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ 450 प्लस था और 500 से कम था, जो भी इस बिटवीन में कोई भी सीट्स की आई थी मेडिकल ऑफिसर के लिए, आफ्टर पीडीएससी वो लेते हैं क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन लेना होता है। टोटल नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो 32,000 आया था। आप खुद सोच कर देखिए कि वो क्यों लेंगे ईयर बैक वाले को, वाई वो किसी सप्ली वाले बच्चे को क्यों लेंगे, रीजन बता दीजिए मुझे एक, या इनको लेना ही चाहिए जो बाकी गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस के, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिन्होंने मेहनत की थी, या कुछ भी जो भी रीजन हो, उनको क्यों नहीं लिया जाएगा। और अब आप कहेंगे कि नहीं मेडिकल ऑफिसर में तो रिटन एग्जाम होता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, पहले आपकी रिटन एग्जाम होती है उसके बाद वो इंटरव्यू कॉल करते हैं, इंटरव्यू में आपका प्रोफाइल ही सब कुछ निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप यूपी का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, एक भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा जिसका ईयर बैक हो, एक भी बच्चा नहीं मिलेगा अभी करंटली जिसका कि एक सब्जेक्ट में भी सप्ली हो और वो भाई साहब जो है मेडिकल ऑफिसर बन के बैठे हैं। अगर आप आपके पास कोई एग्जांपल है तो प्लीज हमें बताइए, हम भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उनसे भी बात करेंगे जिनका हुआ है, उनको भी वीडियो पे लाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जिनका भी ईयर बैक या सप्ली ऐसा कुछ भी किसी भी वजह से हो गया है तो प्लीज आप जो है नीट पीजी की प्रिपरेशन करें, वो ज्यादा बेटर है। और नीट पीजी में भी आप एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप नीट पीजी सेम ईयर में करने की कोशिश करें, मतलब जिस साल आपका इंटर्नशिप चल रहा है उसी साल में करें। अगर आप ऐसे किसी प्लानिंग में हैं कि इस साल भी कर लेंगे फिर नेक्स्ट ईयर अच्छे से कर लेंगे, तो आपका सक्सेसफुल होने का चांस 10% है, less than 10%। ये आप खुद अपने आप में कंपेयर कर लीजिए, आपने नीट यूजी दिया था एमबीबीएस पाने के लिए, तब भी आपके साथ ये चीज हुआ था, आपने जब नीट यूजी दिया था आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम दिया होगा उसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, सेकेंड अटेम्प्ट में कम होता जाएगा। आपको कुछ ही बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, मैक्सिमम केसेस में आपको ऐसा मिलेगा कि डिक्रीज हो रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालने की कोशिश कीजिए, ये दिमाग में लेके मत चलिए कि आप सेकेंड अटेम्प्ट में निकालेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार मेरे कॉमेंट सेक्शन में फ्लैश हो रहा है या कहीं और फ्लैश हो रहा है, मतलब कि मेल पर मुझे आ रहा है, ऑन्कोलॉजी के बारे में। एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ आज, थोड़ा आपको बुरा लग सकता है जो मैं कहने जा रहा हूँ, आपको ऐसे हजारों सीनियर मिल जाएंगे जो ये कहेंगे मुझे ऑन्कोलॉजी करना है। कभी अगर आपसे बोले ना मुझे ऑन्कोलॉजी करना है, तो उन सीनियर से ये पूछना कि मैडम या सर जो भी हैं ऑन्कोलॉजी का डिफिनेशन बता दो आप, बाकी आप छोड़ दो। उनको ये नहीं पता होता है कि करना क्या है, कैसे करना है, और सबको ये बोलते जाएंगे, और बाद में जब वो अनसक्सेसफुल होंगे, क्योंकि होना तो है ही नहीं, कि उनको तो बेसिक ही नहीं पता है अभी तक, उनको बेसिक तो पता ही नहीं, उनको बस घूमना फिरना ये करना, और जिनको पता है वो आपको बोलेंगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, मैंने अपने पूरे कॉलेज लाइफ में ये चीज मैंने नोटिस किया, जो पूरे साल बोलते हैं ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मैं नीट पीजी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उनका पीजी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिनको हम जानते नहीं है उनका रैंक 2 है 5 है 8 है बहुत बार मैंने देखा। तो चलिए उस चीज को हटा देते हैं। तो ऑल दो अगर आप ऑन्कोलॉजी में जाना चाहते हैं वेल एंड गुड, आप चाहिए, देर इज नो डाउट, बट उसको आप इस टाइप से मत कीजिए कि हाँ मुझे उसी में जाना है, 50 लोगों को आप बता रहे हैं मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है और आपको ये नहीं पता है कि ऑन्कोलॉजिस्ट का डिफिनेशन क्या होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट बनते कैसे हैं, और अगर आप एमडीएस कर भी लेंगे वैस में तो आप हेड एंड नेक या फिर ओरल ऑन्कोलॉजी में जाते हैं, ये बात आपको पता शायद नहीं होगा, मतलब जो भी ऐसे लोग होते हैं ना जिनको पूरी दुनिया को कहनी होती है, ठीक है कोई मिलेगा मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है। और फोर्थ, एक मेरे पे बार बार हो रहा था कि आप मेरे कमेंट में देखिएगा होगा कि इज लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, नो, आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, आपका फ्रेंच कितना भी अच्छा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डेंटिस्ट्री को, उनको मतलब है कि आपके डेंटिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, चाहे आप हिंदी में बोलो, चाहे आप राजस्थानी में बोलो, चाहे आप उड़िया में बोलो, चाहे आप तेलुगु में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि आपको नॉलेज कितना है। इनफैक्ट जब इंटरव्यू देने भी जाएंगे, चाहे वो जेआर का हो, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर का हो, या फिर एसआर का हो आगे चल के,
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस लैंग्वेज में उनसे बात करें, उनको सिर्फ इतना मतलब होता है कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड वो उसको आता है या नहीं आता है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है उनको। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज अगर आपको कहीं से भी कुछ भी बुरा लगा हो तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहूंगा, क्योंकि इतने सारे कॉमेंट है ना इस चिप से रिलेटेड, मुझे लगा कि नहीं आज आकर के एक वीडियो बना करके और सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप आराम से करें और बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, दिट इज नथिंग कि हाँ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, आप बस कोशिश कीजिए, जज्बा रखिए, हो जाएगा, बट गलत तरीकों से नहीं कि हाँ मैंने उनसे पूछ लिया वो कह रहे हैं जीआर तो कर सकते हैं लेकिन आपकी ईयरबैक है, आप जीआर के लिए एकदम पूरा निश्चिंत हैं और जब फॉर्म आया था पता चला जीआर तो हम कर ही नहीं सकते हैं, हम तो एलिजिबल ही नहीं है। और अगर गलती से किसी ऐसे हॉस्पिटल से आया जिसने कि ये क्लॉज लिखना भूल गया, होता है, हो चुकी है गलती, अलग अलग हॉस्पिटल से गलती हो चुकी है, तो भी आपका कोई मतलब नहीं है, जब आप वहां जाएंगे ठीक है तो आपका सिलेक्शन वो नहीं करेंगे, एट एनी कॉस्ट नहीं करेंगे। और अगर कोई है तो प्लीज उन्हें हमसे मिलवाइए, मतलब मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मिलवाइए क्या मतलब इन्फॉर्म कीजिए मुझे, मुझे बहुत खुशी होगी नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उनके बारे में बताऊं कि हाँ ये बंदा ईयर बैक होने के बाद भी जीआर है आज, या फिर वो बंदा एमओ है, मेडिकल ऑफिसर है। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कोशिश कीजिए जिनका भी ईयर बैक या सप्ली है वो प्लीज कंप्लीटली फोकस रखे कि मुझे नीट पीजी करना है। आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे।